भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रथम बार बाड़मेर दौरे पर 25 मई को आएंगे। बाड़मेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की नकारा व अराजक सरकार के विरुद्ध आयोजित किए जाने वाले जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के बाड़मेर आने व जन आक्रोश महाघेराव की तैयारी को लेकर मंगलवार को सांसद सेवा केंद्र में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने बूथ अध्यक्ष शक्ति केंद्र संयोजक व प्रभारियों के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस की कुशासन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। इसी कड़ी में 25 मई को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भाजपा द्वारा जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस महाघेराव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी सम्मिलित होंगे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 25 मई की सुबह भाजपा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के सामने मावी पार्क के पीछे जन आक्रोश महाघेराव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज सिंह खारा के साथ संगठन प्रभारी शंकर सिंह राजपूत भी मौजूद रहेंगे। जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सोमवार जहां भाजपा कार्यालय में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी ने भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया, वहीं मंगलवार को कार्य समिति की बैठक में सभी विधानसभा वार अलग अलग बैठकें भी आयोजित हुई। सभी मंडलाध्यक्षों से अधिक संख्या में जन सहभागिता निभाने को लिए कहा गया। वहीं सभी जिला पदाधिकारियों से अधिक संख्या में आमजन को जन आक्रोश महाघेराव में सम्मिलित कराने की अपील की गई। मैं उसमें उपस्थित नहीं हो पाया था, लेकिन विषय को विस्तार से आपको समझा दिया था और अभी भी बता दिया गया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो ये कार्यक्रम लेकर के और 25 तारीख को पधार रहे हैं, उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए उनकी छुट्टी हुई थी और उसको लेकर के कार्य क्षेत्र भी बांट दिए गए हैं। संज्ञान बाड़मेर के सांसद सेवा केंद्र में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, जिला संगठन प्रभारी शंकर सिंह राजपूत, पूर्व जिलाध्यक्ष आधुरा मेघवाल, पूर्व विधायक तरुणराय कागा, जालम सिंह रावत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, जिला महामंत्री मुस्कान मेघवाल, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक, उपाध्यक्ष बालाराम मून, रमेश शर्मा, कैलाश मेहता, महावीर सिंह सहित पार्टी के विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष व पदाधिकारीगण, जिले के मंडल अध्यक्ष सहित अपेक्षित वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा नेताओं ने संबोधित करते हुए पिछले 4.5 साल में प्रदेश कांग्रेस सरकार कुशासन, कमजोर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के कारण राजस्थान की जनता परेशान हो गई है। 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में आई थी, उनमें से एक भी वादा गहलोत सरकार ने पूरा नहीं किया। इसी को लेकर भाजपा द्वारा जन आक्रोश कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है।